हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 और ट्रायंगल इसको जानेंगे। ट्रायंगल आपका लेसन है, इसकी इंट्रोडक्शन को जानेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा, जो हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, जिसमें हमने ट्रायंगल्स और उसके प्रकार में आपको सब कुछ बताया है। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उनका लिंक दिया गया है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो यहाँ एक स्पेशल प्रॉपर्टी थोड़ा सा पहले रिकॉल करेंगे, ठीक है। रिकॉल करने का कारण ये है कि इसको हमें बताना है, आपने जो पढ़ा वो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा, ठीक है। एक कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा, या हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पढ़ा, जो कि क्लास 9th में था, थोड़ा सा यहाँ बताया गया, काम भी लगेगा। क्या होगा? सेप्स, ठीक है, सेप्स एंड साइज आर सेम किसके? इन टू ट्रायंगल्स। अगर आपके दो ट्रायंगल्स हों और उसमें शेप्स और साइज उसके क्या हों? सेम हों, तो इसको हम लोग कहते थे क्या? कॉन्ग्रुएंट। और उसी में मैंने आपको बताया और यहां भी बता रहा है, सिमिलर। सिमिलर क्या होगा? सिमिलर में शेप्स जो होंगे वो तो सेम होंगे, शेप सेम दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो साइजेस होंगी, ठीक है, साइजेस जो होंगी वो मे और मे नॉट इक्वल, ठीक है। साइज हो सकता है कि इक्वल हो भी जाए और नहीं भी हो जाए, तो इसको जानेंगे। जैसे हमने कहा कि आप रुपीस का देखते हैं ना, रुपया है ना, रुपए आप देख लीजिए। एक आप ले लीजिए 1 रुपी, 1 रुपीस का एक कॉइन ले लीजिए, 1 रुपए का कॉइन ले लीजिए, और ऐसे ही 2 रुपए का कॉइन ले लीजिए। आप बताएं क्या दोनों सेम होगा? क्या दोनों सेम है कि नहीं है? करके देख के बताएं, समझ के बताएं, है ना। आप करके देख करके बता सकते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं है। ऐसे 10 रुपीज़ का कॉइन ले लीजिए, एक कॉइन ले लीजिए, और एक जो है 1 रुपए का कॉइन अब ले करके देखें, ठीक है, क्या दिखेगा? सेम नहीं दिखेगा, उतने बड़ा है नहीं, है ना। मतलब क्या दिखा? कि केवल साइजेस इसके क्या हैं, ये डिफरेंट हैं। साइजेस क्या हैं? डिफरेंट है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप कॉइन जो लीजिए, ठीक है, वो दोनों 1 रुपए का ही ले लीजिए, ठीक है, या 10 रुपए का ही दोनों कॉइन ले लीजिए। आप कॉइन दोनों ले लें। अब यहाँ पर क्या दिखा? यहाँ पर मुझे ये दिखा कि ये तो भाई क्या है, ये तो सेम है, सेम है, साइज भी सेम है, शेप और साइज दोनों सेम दिखाई पड़ रहा है। तो हम कहेंगे अगर शेप और साइज दोनों सेम है तो क्या होगा? वो क्या होगा? वो आपका होगा कॉन्ग्रुएंट। और अगर शेप और साइज थोड़ा सा डिफरेंट कहीं आपको दिखाई पड़े, है ना, शेप तो सेम रहे लेकिन साइज डिफरेंट हो, तो इसको सिमिलर कहा जाता है, सिमिलर फिगर कहा जाता है। मैंने क्वाइन की बातें की है, ऐसे ट्रिएंगल में भी पाल होगा। मतलब यहाँ सिर्फ मैंने अगर फिगर कहा कि कोई दो ऐसे फिगर जो ये बताना है कि ये कैसे हैं, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, तो इसमें हम ये देख करके बता सकते हैं। अब बात ये आई कि अगर मेरे पास अब दो ट्रायंगल्स हों, इतना बात मैंने कहा। अच्छा, थोड़ा सी एक बात है और इसमें, और देखिए थोड़ा सा समझेंगे इसमें कि जितने भी सिमिलर हैं, आप देखिए यहाँ से ये सिमिलर है ना, ये सिमिलर है, और ये सिमिलर है तो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, नहीं है ना। ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कौन से? अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे, ये कन्फर्म है, आप करके देख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे दो ट्रायंगल्स बनाए, ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल्स बनाए, ये सभी साइड्स दोनों क्या हैं? सेम है, उतने बड़ा है। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर ये भी, 3 सेंटीमीटर ये भी, और 3 सेंटीमीटर ये भी, इधर भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो आप बताएं कि क्या दोनों का सेम साइज है, शेप है या साइज है कि नहीं है, है ना, सब कुछ सेम है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जितना भी चीज़ कॉन्ग्रुएंट होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा, ये हम कह सकते हैं ऑलवेज होगा, हमेशा होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ का सिमिलर है तो सिमिलर से कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। तो हम बात कर रहे हैं सिमिलर, ठीक है, सिमिलर पॉलीगॉन। कोई भी पॉलीगॉन सिमिलर होने का काम क्या है?
सिमिलर कब होगा? इफ, यदि, अगर वो क्या हो? पहली चीज आपको बताना है कि हाँ, देखना है कि हमारे पास दो फिगर हैं, पॉलीगॉन हैं, और वो जो है आपको ये बताना है इसमें फिगर सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने का कंडीशन क्या है? आप देखें, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज, रेशियो, या रेशियो को हम क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, रेशियो या प्रोपोर्शन, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ये क्या होगा, ये भी क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ठीक है, इक्वल जिसको कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, आप चाहें तो कहें इसमें कांस्टेंट कहें, कांस्टेंट का मतलब सब कुछ एक ही जैसा हो। अगर ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई कहीं पड़ रही है, अगर मुझे ये कभी कहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये इक्वल है। जैसे एक यहाँ बात कर लेते हैं, मैंने ये ट्रेंगल ही बनाया है, एक्चुअली मुझे ट्रेंगल ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, ट्रेंगल का ये लेसन है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बात ट्रेंगल की ही करेंगे। क्या कहता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये पहला वाला था ना, स्टार्टिंग में अगर बात करूं कि अगर मैंने लिखा है ए बी सी और यहां लिखा पी क्यू आर, तो आपने ये मैचिंग पढ़ा होगा, ये मैचिंग कि पहले वाले के साथ में पहला वाला, तीसरे वाले के साथ तीसरा, दूसरे वाले के साथ दूसरा, इसको करेस्पॉन्डिंग बोलेंगे। तो एंगल ए के साथ क्या होगा, एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, ये सब सारी कंडीशन हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी, ये वाला हो गया, ये वाला, अब इसकी बात कर रहे हैं लास्ट वाला, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। पहला तो ये केस है, पहला तो ये फुलफिल हो। दूसरा चीज क्या है, सेकंड केस की बात कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा। अब जैसे अगर मैं इसको, भाई मैंने यहाँ भी ऐसे लिखा है, अब मैं इसकी साइड्स लेता तो मुझे साइड्स क्या क्या मिलता, ए बी मिल जाता, फिर क्या मिलता, बी सी मिलता, और फिर यहाँ से यहाँ फिर क्या मिलता, ए सी मिलता, ठीक है, सी सी ए या ए सी ए की बातें, सी ए लिख दीजिए, आपको दिक्कत ना हो। इससे क्या मिलेगा, पी क्यू मिलेगा, यहाँ से क्यू आर मिलेगा, और यहाँ से आर पी मिलेगा। तो ये जो नंबरिंग है, फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, इसी को क्या कहेंगे, करेस्पॉन्डिंग, ये ठीक है, इक्वल नहीं कह रहा है, ये करेस्पॉन्डिंग आपके हैं। तो कौन कौन से साइड, ए बी, ठीक है, ए बी अपान क्या होगा, पी क्यू। दूसरी साइड कौन सी, बी सी, बी सी, और यहाँ से क्या, करेस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर होगा, फिर उसके बाद में सी ए, और इसका करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, आर पी या पी आर। ये क्या होने चाहिए, ये हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट होने चाहिए। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये सभी क्या होने चाहिए, सेम। अगर मैं इसका रेशियो फाइंड कर रहा हूँ तो ये सेम होने चाहिए। ये अगर फुलफिल हो रहा है तो मैं कहूँगा कि हमारा जो ट्रायंगल है, ठीक है, पहले तो मैंने किसी फिगर के लिए बात की, अब यही चीज़ मैं अपने ट्रायंगल के लिए बात कह सकता हूँ, जो लेसन में मुझे पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल अगर मैं बात कहूँ तो ये फुलफिल होना चाहिए। वो किसी भी फिगर के लिए था, कोई भी फिगर अगर ऐसा दिखाई पड़ेगा तो वो पॉलीगॉन कोई भी दिखाई पड़े तो वो जो हमें सिमिलर प्रूफ करना होगा या बताना होगा तो ये है। लेकिन अगर मैं ट्रायंगल्स में ले रहा हूँ तो मेरे करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या होंगे और वो कैसे इक्वल होंगे, वो हमारा इसमें रखा हुआ है। बातें समझ में आई ना, कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या हुआ, जैसे जैसे अब बात कर लूँ कि आपकी ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ मैंने 4 लिखा, यहाँ मैंने 3 लिखा, और यहाँ क्या लिखा, 5 लिखा, सही है ना, बिल्कुल सही है। मैं यहाँ 8 लिख दूँ, 6 लिख दूँ और 10 लिख दूँ। अब डिवाइड करके आप देखो, आप डिवाइड करो, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 1/2, 4 को 8 से करेंगे 1/2, और 5 को 10 से करेंगे कितना होगा, 1/2। आप देखें कि हर जगह क्या दिख रहा है आपको, 1/2 दिखाई पड़ रहा है, ये इसलिए क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे,
सिमिलर हो जाएंगे। बातें समझ में आई ना? अब इनके कुछ एक्सरसाइज जो हैं आपके, बहुत ही छोटे एक्सरसाइज है, तो उसके क्वेश्चंस को मैं देख लूँगा कैसे क्या होगा, ठीक है? अब उसको भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अगर इस एक्सरसाइज की बात कर लूँ तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसी के ऊपर सब कुछ आपका रखा हुआ है। जैसे कह रहा है आल सर्किल्स आर, सभी सर्किल क्या होंगे, चाहे वो छोटा लें बड़ा लें, सिक्के आप देख लो चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्या होगा? हमेशा सिमिलर ही तो होता है, हमेशा क्या होगा, ये सिमिलर होगा। ऑल स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर भी हैं, ऐसे स्क्वायर भी क्या होंगे, ये सिमिलर ही होंगे। आप करके देख सकते हैं स्क्वायर में क्या होगा, सभी साइड्स इक्वल होते हैं और साइड्स का एंगल इक्वल होते हैं, सॉरी एंगल इक्वल होते हैं। और अगर मैं दूसरा ट्रेंगल लूँ, दूसरा अगर स्क्वायर लूँ, तो उसमें भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहली चीज़ तो कंडीशन कॉमन हो गई ना। अब दूसरा कंडीशन होता है उनका रेशियो, आप कोई भी रेशियो लेंगे वो बराबर रहेगा। आप करके देख सकते हैं, कह रहा है ऑल ट्रेंगल्स आर सिमिलर, किस प्रकार का ट्रेंगल जो सिमिलर होगा, आइसोसेलस या इक्विलेटरल, तो बिल्कुल क्या होगा, ये इक्विलेटरल होगा। इक्विलेटरल ट्रेंगल जो भी होगा वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कह रहा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या हैं वो सेम हैं, आर सिमिलर इफ, वो सिमिलर कब होंगे, अभी बताया, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होने चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे चाहिए और साइड्स के जो रेशियो होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है? साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होने चाहिए और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। इसके आंसर को मैं यहाँ कर रहा हूँ पहले का, दो सिमिलर फिगर की बात कर रहा है, तो आप दो सिमिलर फिगर कब बता सकते हैं, आप कब बता सकते हैं, सेम ही कोई चीज रहे तो क्या ले लें, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, आप हमेशा ही मिलेगा। आप देखेंगे इनका रेशियो, अब आप कोई भी ले सकते हैं, आपका जो है मान लीजिए एक को हमने, एक हमने जो लिया वो 2 सेंटीमीटर का ले लिया और दूसरा वाला 3 सेंटीमीटर का ले लिया, तो भी हो जाएगा, है ना, ये डिफरेंट टाइप के जो थे हमारे। फिर इसके बाद कह रहा है कि नौ दो बताने हैं, दो दो एग्जांपल दोनों में बताने हैं, तो इसमें से पहला हो गया और दूसरा हो गया, ठीक है ना, ये हम एक ही कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होगा, हम कह दें कि टू स्क्वायर्स अगर ले लें, ठीक है, तभी क्या मिलेगा, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर हम ले रहे हैं, तभी ये क्या रहेंगे, आपके सिमिलर रहेंगे। तो ये पहला केस हमारा जो फिलफिल हुआ। सेकेंड नंबर ये कह रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर, तो अब इस बार डिफरेंट लेना पड़ेगा। एक आप ले लीजिए ट्रापीजियम, ठीक है, एक ट्रापीजियम ले लीजिए और एक आप स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, ट्रापीजियम और स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है पहला, और दूसरा क्या ले लीजिए, कोई भी आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ले लें और क्या ले लें, और क्या ले लें, रेक्टेंगल ले लें, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें ले लें, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये सेम इसका रेशियो रहेगा नहीं, पहले तो नंबर ऑफ साइड्स वैसे नहीं सही हैं, ठीक है, मुझे डिफरेंट बताना था, ये नहीं कहना कि हमारे पास इस बार नंबर ऑफ साइड्स सेम है। हमारा ये कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर नॉट, सिमिलर है या नहीं इसको बताना है। तो सिमिलर के लिए सबसे पहला चीज़ हम उनके एंगल्स को ढूंढते हैं, क्या इस टाइप के एंगल आपको इक्वल दिखेंगे, आपके ये फिगर में बने हुए हैं, आपके ये फिगर में बने हुए हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो उस क्वेश्चन में बना हुआ मिल जाएगा आपको। ऐसे देखने पर ही आप बताइए क्या इसको इक्वल दिख रहा है, भाई ये साइड्स हमको क्या दिख रही है, ये इस टाइप की साइड दिख रही है, इस टाइप की, तो इस टाइप में क्या होगा, ये 90 बन सकता है, ये 90 हो ही नहीं सकता, और ये जो दिखता है वो 90 का है, तो पहली चीज़ तो ये नहीं मिल रहा है। हाँ रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या मिलेगा, यहाँ 1.5 है, यहाँ 3 है, यहाँ सभी में भी 1.5 है और यहाँ सब में 3 है, तो आप निकालोगे तो रेशियो क्या आएगा, उसका कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा, लेकिन इसके एंगल्स क्या हैं वो नहीं है, तो ये क्या रहेंगे, ये सिमिलर हैं नहीं, ठीक है, नॉट सिमिलर फिगर, ठीक है, ये सिमिलर फिगर नहीं है। रीजन क्या होगा, द रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल बट एंगल ऑफ बट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल नहीं है, क्लियर है ना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, इसके साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन 6.2 की, उसमें कुछ थ्योरम्स हैं, थेल्स थ्योरम, थ्योरम 6.1 है, तो ऐसे कई थ्योरम्स उसमें हैं या रूल्स हैं, मैं आपको उसको सब कुछ बताऊँगा। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।